हाय दोस्तों, मरियम फीडीज पे आप लोगों का स्वागत है। ये मेरा 3.5 फीट का फाइबर का डिश है, ये देख सकते हो। तो इसका साथ ये वाला स्टैंड मिला था हमको, तो इसमें सिग्नल आ रहा था मगर सही से नहीं आ रहा था, कम आ रहा था, तो इसलिए मैंने इसका स्टैंड चेंज कर दिया। देख सकते हो यहाँ स्टैंड, इसमें आप एक ऐसा कब्जा लगा दीजिएगा, देख सकते हो ऊपर से झलाई करके नीचे में नाट बोल्ट कर दिया, देख सकते हो। जो कब्जा है वो लोग आप लोगों को दिखाएंगे, बैग में है। ये मेरा डिश पहले माप देख लीजिए, अकेला वीडियो करने में बहुत दिक्कत होता है। 40 इंच 40 इंच, यहाँ से आप लोगों को दिखाता है कितना इंच है, ये देख सकते हो 44। ये जो डिश का रॉड मैंने रखा है आप लोगों को दिखाता है, देख लीजिए ये नीचे में लगा के 25 इंच, देख सकते हो 25 इंच। इसमें से फोकल पॉइंट का जो सिग्नल फोकल पॉइंट आएगा, ये देख सकते हो आप लोग, फोकल पॉइंट रहेगा आप लोग देख सकते हो एलएमबी के मुंह का तरफ 29 रहेगा। इसका जो रॉड है दिखाता है कितना है, इसका रॉड थर्टी फोर होगा, वहाँ थोड़ा सा बैंड होगा 34। इसका फोकल पॉइंट निकलने का आसान तरीका है, अब यहाँ पे एक और मिडिल में शीशा लगा दीजिए, ठीक है। जो छोटा छोटा शीशा होता है देख सकते हो, ऐसे शीशा, ये वाला छोटा छोटा शीशा दिखते हो, ये लगा दीजिए, ठीक है। ऊपर में एक छोटा सा होल कीजिए, देख सकते हो यहाँ पे एक होल है मेरा, ऊपर में हॉल है एक, यहाँ से एक रस्सी बांध के ऊपर नीचे कीजिए, आपका सिग्नल आ जाएगा, फोकल पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। बाद में ये रॉड अब लगा दीजिएगा, ठीक है। ये स्टैंड मैंने चेंज कर दिया है, देख सकते हो। इसमें अभी मैंने बंगबंधु पकड़ा है, आप लोग बहुत दिन से कमेंट कर रहे थे इसका रॉड का माप दिखाइए, इसका फोकल पॉइंट दिखाइए। ये मेरा टाटा नेट 500 रुपये में ख़रीदा है, इसको 500 रुपये में ख़रीदा था, वो मेरा 6 फीट डिश नया था, और ये मेरा ये 4 इंच कम है, तो सब टूट गया था, तो अभी ठीक है। तो आप लोग देख लिया, जो कब्जा आप लोग को बोल रहा था आप देख लीजिए, ऐसे एक कब्जा अब मार्केट से ख़रीद लो, यहाँ पे इसको लगा दो नीचे में, इसको यहाँ से झलाई कर दो, बस हो जाएगा, ठीक है।